प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ और देश की सर्वाधिक नयनाभिराम राजनीतिक शख्सियतों में से एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर आज इंदौर में थे। इन्होंने आज इंदौर में अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया। रविंद्र नाट्य गृह में अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शशि थरूर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। थरूर ने खास बात यह कही कि कोई हिंदू खतरे में नहीं है अगर वो भाजपा में नहीं है। आज सरकार सिर्फ अपने मन की बात सुना रही है, जनता के मन की बात वह सुनना नहीं चाहती। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार खुद संसद नहीं चलने देना चाहती। लगातार संसद ठप की जा रही है ताकि विपक्ष के नेता कुछ भी बोल ना सके। संविधान खतरे में है और भाजपा अब इसे भी खत्म करने की तैयारी कर रही है। यह बातें लोकसभा सांसद शशि थरूर ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में कही। संविधान का संरक्षण और संविधान का उत्थान विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में विधि छात्र भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मौके पर जनता को संबोधित किया। इंदौर में अभिभाषकों द्वारा संविधान का संरक्षण और संविधान का उत्थान विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद शशि थरूर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर शशि थरूर ने कहा कि आज राष्ट्रपति पद का महत्व भी कम किया जा रहा है। थरूर ने कहा कि राष्ट्रपति तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। भाजपा ने आज उनका कद इतना कम कर दिया है कि जहां राष्ट्रपति को होना चाहिए वहां भी पीएम मोदी ही नजर आते हैं। लोकसभा सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो क्या यहां दूसरे धर्म के लोगों के लिए बराबर के अधिकार नहीं होंगे? यह हम सभी के लिए सोचने का विषय है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि कोई हिंदू खतरे में नहीं है अगर वह भाजपा में नहीं है। और हमारी 15 महीनों की सरकार रही थी जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। 11.5 महीनों में जो हुआ मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। और मैं मुझसे कहा जाता है हिसाब देगी 11.5 महीने का, मैंने कहा जनता आपको जवाब देगी, कमलनाथ की जवाब देने की जरूरत नहीं। और मेरा मजाक उड़ा के, मेरी इच्छा थी ये बहुत सारे नौजवान बैठे हैं यहाँ कि इनका भविष्य सुरक्षित रहे, यही निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य, इनका भविष्य सुरक्षित रहे। ये सुरक्षित कैसे रहेगा अगर हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़े और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, जिसको केरल और तमिलनाडु में सामान बेचना है वो उत्तर भारत में अपने उद्योग लगाते हैं क्योंकि उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास है। इन्वेस्टमेंट कैनॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत की विशेषता यहाँ की विविधताएं हैं जो देश की मजबूती का आधार है। इसी आधार को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की रचना कर सभी को उनका हक दिया। 2 साल स्टे रहता है, उसके बाद जब से संसद चला वो जाता है कि अब मेरी सुनवाई हो, तब एक जज को ट्रांसफर किया जाता है, एक प्रमोटी जज को भेजा जाता है जिसको कुछ दिन पहले प्रमोट किया उसको भेजा जाता है और वो ये ऑर्डर देता है ये बोनाफाइड है या मेलाफाइड है। सीधा प्रश्न है वकीलों का है, वकील ज़्यादा सीखा हूँ ये बोनाफाइड और मेलाफाइड, मैं उनसे पूछ रहा हूँ ये बोनाफाइड है या मेलाफाइड। सर सर लेकिन कार्यक्रम के दौरान पीयूष बबेले द्वारा लिखी गई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता का विमोचन भी किया गया। पुस्तक के लेखक पीयूष बबेले ने इस अवसर पर कहा कि यह बड़ी चुनौतीपूर्ण दौर है जहां हमारी आस्था से जुड़े धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया है। यह पुस्तक ऐसी स्थिति के कई भ्रम को दूर करती है। यही मौजू विषय क्यों चुना गया है इस बार आप लोगों से चर्चा करने के लिए, जब देवियों सज्जनों सत्ता के मद में घमंड से चूर होकर अपने दंभ में डूबकर कोई भी सत्ता पक्ष अगर इस तरह के निर्णय लेता है या अपने कार्यकलाप इस तरह के रखता है जो बेशर्मी से संविधान का हनन की तरफ इंगित करते हैं, तो आवश्यक हो जाता है आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को
कि समाज में आगे आकर अपनी आवाज उठाएं,